previous experiments which I have shown you on the YouTube videos, plant population frequency and plant density. So to conduct this experiment, we have to make a square shaped structure that is known as quadrat. It may be ready made or you can made by itself. So to conduct this experiment, first we have to get a free field. It may be a grassland ecosystem or it may be a plot which is situated nearby your home. Actually, in our school, we have a lawn to conduct this experiment. So, but due to this lockdown period, I am going to conduct this experiment my nearby empty plot. So, I am starting to show you how the quadrats are prepared if you are not having the ready-made quadrat. Now, I will show you. Now, you can see that I have prepared a quadrat. मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेट प्रिपेयर किया है. यहाँ पर आई हैव यूज्ड फोर नेल्स, चार नेल यूज़ करे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. दीज नेल्स आर अरेंज्ड इन अ स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर एंड दीज आर होल्डेड टुगेदर बाय यूजिंग द थ्रेड. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेट, हैंडमेड क्वाड्रेट. Now you have to study that how many types of plants are there and what is the number of each species. कितने तरह के plant यहाँ पर हैं और कितने number में हर एक species के कितने member हैं. Now I am showing you every species, हर एक species के बारे में बता रही हूँ. Now you can see this is a grass. ये grass है, इसको मैं तोड़ कर बता रही हूँ इसकी स्पेशलिटी क्या है. ठीक है, this is a grass. ये ग्रास है, एवरी ब्रांच या हम कहें एवरी नोड ऑफ दिस ब्रांच अपीयर्स थ्री लीव्स. हर एक इसकी नोड से तीन लीव्स अराइज होती हैं. दैट्स वाई द नेम इज गिवन टू दिस प्लांट, दैट इज ट्रायनथीमा. ट्रायनथीमा, ट्राई मीन्स थ्री, इट मीन्स एवरी नोड हैज थ्री लीव्स. दैट्स वाई द नेम इज गिवन ट्रायनथीमा. नाउ आई हैव टू शो यू that how many plants are there, how many types of species are there in this quadrat. इस quadrat में कितनी species हैं. First, this grass is there, ये grass है यहाँ पर. Second plant is there, that is, this is known as oxalis. इसको oxalis बोलते हैं, खट्टी बूटी. अगर rural area का कोई होगा तो उसको obviously पता होगा कि ये इस तरह की जो है plants, wild plants बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे rural areas में और खाली plot में भी. एक और तरह की ग्रास है यहाँ पर, ये सूख गई है थोड़ी सी, ब्राउन कलर की ग्रास है जो नॉर्मली हर जगह पर मिल जाएगी. इसको कहते हैं दूब घास. क्या बोलते हैं? दूब घास. जिसको देखा होगा घरों में भी, फेस्टिवल्स वगैरह में उगाया जाता है इसको. दिस इज साइनोडोन. सो इन दिस क्वाड्रेट ओनली देयर आर थ्री स्पीशीज आर फाउंड. तीन स्पीशीज मिली हमें, डैट इज ट्रायनथीमा, नेक्स्ट इज ऑक्सैलिस एंड द नेक्स्ट वन इज साइनोडोन. ओके, सो थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. तो जब हमें तीन प्लांट इस क्वाड्रेट में मिले हैं तो हमें इनको क्या मार्क करना है? ए, एक स्पीशीज़ के लिए, दूसरे स्पीशीज़ के लिए बी, एंड फॉर थर्ड स्पीशीज़ सी. मैंने जो यूट्यूब वीडियो बनाई थी उसमें आपको शो करी थी फाइव स्पीशीज़, बट एक्चुअली व्हेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट ऑन फील्ड आई एम गेटिंग ओनली थ्री स्पीशीज़. सो आई एम मार्किंग दैम नॉट बाई देयर नेम, बाई गिविंग द नेम ए, बी एंड सी. So in first quadrate we got three species, A, B and C. Okay. Now I am counting these species. अब मैं इनको count करती हूँ कि कितने plant यहाँ पर मिलेंगे. I will count, then I will give you data in my next class. मैं data आपको next class में दे दूँगी count करने के बाद में, because it is not easy to show you that how many plants are there. Okay. Now this is the second quadrate. ये दूसरा quadrate बनाया है हमने. Visible है सबको? Visible to all of you or not? Yes, ma'am. Okay, this is the second quadrate. अब हम second quadrate में देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो तरह की बस ग्रास दिख रही है. एक तो ट्रायनथीमा दिख रही है ये, और दूसरी जो सूखी हुई घास है मैंने भी बताई थी जो आपको, साइनोडोन वो. तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने फ्रिक्वेंसी एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था कि वेन यू आर कैलकुलेटिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्लांट एंड यू हैव टू मार्क इट इज़ प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर क्वाड्रेट और नॉट, आपको वहाँ पर नंबर काउंट नहीं करने हैं. You have to determine that particular species is present or and not. In the previous quadrate में क्या थी? तीन species थी, A, B and C. ठीक है, A हमने माना था किसको? Oxalis को. B हमने माना था किसको?
ट्रायंथीमा को, सी माना था हमने किसको, साइनोडोन को। तो एक तरीके से मैं अगर ये कहूँ कि बी और सी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन ए जो है ऑक्सैलिस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी उसकी घट गई जब वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओनली टू स्पीशीज आर देयर, केवल दो ही स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। डेटा जो है वो मैं काउंट करके तुम्हें दूंगी, फिर तुम्हें वो कैलकुलेट करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में भी बताना है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, टू स्पीशीज आर देयर ओनली। नाउ आई एम शोइंग यू थर्ड क्वाड्रेंट, इज इट विजिबल टू यू और नॉट, इज इट विजिबल टू यू और नॉट? ओके, नाउ दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड आई एम शोइंग यू हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर इन दिस क्वाड्रेंट। Now you can easily see that Trianthema grass is there. Trianthema present है already यहाँ पर। जो cynodon grass है brown color की, वो भी easily show हो रही है। And you can yes ma'am. Now student, this is the third quadrant which I am going to show you. Actually in this third quadrant three species are there. A, B, C, all three species are there. This is the grass Trianthema which I have shown you in the first quadrant. एंड द सेकेंड वन इज द ब्राउन घास, जो मैंने भी बताई थी साइनोडॉन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दूब घास, जिसको हम दूब घास कहते हैं। एंड द थर्ड स्पीशीज इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑक्सैलिस, खट्टी बूटी जिसको हम बोलते हैं। इट मीन्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेट वी हैव सीन थ्री स्पीशीज, इन द सेकेंड क्वाड्रेट वी हैव सीन टू स्पीशीज, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेट वी हैव अगेन सीन दैट थ्री स्पीशीज आर देयर, ऑल थ्री आर प्रेजेंट, ए बी एंड सी, तीनों स्पीशीज यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। इट मीन्स इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी बाई फॉलोइंग द क्वाड्रेट मैथड, देन वी कैन ईजीली डिटरमाइन दैट ए बी एंड सी दोनों जो मेम्बर हैं दे आर प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, बट द ए मेम्बर दैट इज ऑक्सैलिस खट्टी बूटी प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वाड्रेट, इट हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, वो किस में है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में। नॉर्मली व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, हमें ये पता करना है कि फ्रिक्वेंसी डेंसिटी होता क्या है, व्हाट इज, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो आप इफ यू हैव नो अबाउट द सेंसस रिपोर्ट, जब हम जनगणना के बारे में बात करते हैं तो रिपोर्ट, जब सेंसस रिपोर्ट हम बनाते हैं तो हम उसमें देखते हैं इट हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन अ कॉलोनी, हाउ मैनी आर हिंदू एंड हाउ मैनी आर मुस्लिम एंड हाउ मैनी आर क्रिश्चन। सो द सेम मेथड आई एम यूटिलाइजिंग दैट हाउ मैनी स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज आर देयर इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, एंड हाउ मैनी स्पीशीज आर इन द लार्जेस्ट नंबर एंड हाउ मैनी इन द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेम तरीका है ये डिटरमाइन करने का। फॉर माई कन्वीनियंस एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली थ्री क्वाड्रेट, बट इन आर स्कूल एज यू नो दैट वी हैव रेडीमेड क्वाड्रेट्स, सो इट इज़ वेरी ईजी टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, बट देयर आर सम एग्जाम्पल्स दैट इन केस ऑफ लाइन्स एंड इन केस ऑफ फिशेज दिस इज़ नॉट ईजी टू डिटरमाइन द एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी। अब कोई टाइगर के पीछे जाएगा तो नहीं उसको देखने के लिए कि भाई कितने टाइगर हैं हम पता करें, इट इज़ नॉट ईजी, उनके पीछे जाना इतना आसान नहीं है, तो हम उनकी डेंसिटी पता नहीं कर सकते। सो देयर इज़ अ मैथड विच वॉज गिवन बाई डिफरेंट साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक मैथड दिया दैट वी कैन काउंट द नंबर ऑफ टाइगर्स बाई देयर पग मार्क्स, उनके जो पग मार्क्स होते हैं, पैरों के निशान जो होते हैं, फुटप्रिंट्स सबके डिफरेंट होते हैं, बाई विच वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड नंबर ऑफ लाइंस, जितने भी डेंजरस एनिमल्स होते हैं दे आर डिटरमाइंड, देयर नंबर हैव बीन काउंटेड बाई यूजिंग द पग मार्क मैथड। एंड अनदर मैथड इज ऑल्सो देयर, फीकल मैटर, फीकल मैटर मीन्स एक्सक्रीटा, वॉट टाइप ऑफ फूड दे आर टेकिंग, किस तरह का फूड ये ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सक्रीटा भी उनका डिफरेंट होगा, ठीक है। सो बाई ऑब्जर्विंग देयर फीकल मैटर वी कैन ईजिली डिटरमाइन दैट विच टाइप ऑफ एनिमल इज दिस, इट इज टाइगर और इट इज लाइन। सो एंड अनदर मैथड इज देयर, वैन वी आर स्टार्टिंग टू काउंट द फिशेज, इट मीन्स वैन वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन द फिशेज, जब हम फिश पर करना चाहते हैं तो फिश को भी हम इतनी ईजीली काउंट नहीं कर सकते हैं। वाई दैट देर इज नो वन टू काउंट ऑल द फिशेज इन साइड द वॉटर वन बाई वन, तो हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव 100 मीटर एरिया ऑफ अ पॉन्ड, हमारे पास कोई भी मान के चले 100 मीटर का एरिया है पॉन्ड का, वी आर डिवाइडिंग दैट पॉन्ड इन टू 10 पार्ट्स, 10 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम उस पॉन्ड को डिवाइड कर देते हैं, एंड बाई आफ्टर डिवाइडिंग दिस पॉन्ड इन अ पॉन्ड इन 10 डिफरेंट एरियाज, 10 डिफरेंट एरियाज में हम इनको डिवाइड करने के बाद एक पॉन्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। सपोज वी आर पोरिंग अ नेट, हम एक नेट डाल रहे हैं उस पॉन्ड में 10 मीटर स्क्वायर में, एंड आफ्टर पोरिंग दैट नेट वी गेट
एट फिशेज आर देयर इन वन नेट, एक बार में एक नेट में कितनी फिशेज आती हैं, एट आती हैं। तो इस तरह के हमने कितने कितने नेट डालेंगे, 10 नेट डालेंगे उसमें, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितनी, 80 अप्रॉक्सीमेटली कितनी हमारी फिशेज होंगी इस पॉन्ड में, 80 फिशेज वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड द एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज़ कॉल्ड द अप्रॉक्स पॉपुलेशन डेंसिटी। हम इसको एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बोलेंगे, क्यों, हमने एक्चुअल काउंट ही नहीं किया, हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया कि इफ 8 फिशेज आर प्रेजेंट इन द 10 मीटर स्क्वायर एरिया, देन इन द इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई 10, देन 80 फिशेज आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो after doing this experiment, after counting these plants one by one in these following quadrants, I am giving you data, मैं आपको डेटा देती हूँ कुछ टाइम के बाद में या कल में, then I have already told you about the observation table and what are the formulas which are going on to calculate this population density and frequency experiment. तो ये जितना भी डेटा है मैं आपको कलेक्ट करके दूंगी, देन यू विल पुट दैट डेटा इन द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड बाई यूजिंग दैट पर्टिकुलर फार्मूला यू विल कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल दीज स्पीशीज विच आई हैव शोन यू इन दीज थ्री क्वाड्रेट। इन तीनों क्वाड्रेट में जो मैंने आपको स्पीशीज शो करी हैं वो आप मुझे कैलकुलेट करके शो करोगे। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। अनम्यूट योर सेल्फ, अनम्यूट करो अपने आप को। देर इज अ सिंबल, एक स्पीकर का सिंबल है वहाँ पर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड माई एक्सपेरिमेंट दैट आई विल गिव यू डेटा आफ्टर सम टाइम और टुमारो दैट हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन दीज थ्री क्वाड्रेट्स। सो बाई यूजिंग माई प्रीवियस टू वीडियोज यू कैन कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी वेरी इजिली। ओके, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं, बाय।